मुझे बहुत बहुत पसंद है म्यूज़िक. मैं जगजीत सिंह की बड़ी फ़ैन हूँ. जब भी जगजीत सिंह जी का शो होता है तो मैं पहले पहुँच जाती हूँ, जब अगर मैं शूटिंग नहीं कर रही हूँ तो. और मुझे इंटरनेशनल म्यूज़िक बहुत पसंद है. मैं फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, हर किस्म का म्यूज़िक सुनती हूँ. मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है म्यूज़िक का. एंड आई लव टू डांस एंड म्यूज़िक एंड डांस गो टुगेदर. सो अच्छा, आपने कहीं से पर्सनल ट्रेनिंग ली है म्यूज़िक में या फिर म्यूज़िक में? नहीं, मैं भरतनाट्यम में ट्रेनिंग, मैंने 16 साल भरतनाट्यम किया था. अच्छा, बताइए फिल्म को हिट होने में म्यूज़िक का कितना बड़ा हाथ रहता है? बहुत बड़ा हाथ होता है. कभी कभार फिल्म इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन या इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, लेकिन म्यूज़िक अच्छा म्यूज़िक होने की वजह से उसको ओपनिंग लगती है. लोगों को एक क्यूरियोसिटी रहती है गानों को देखने के लिए, तो वो लोग फिल्म देखने जाते हैं. तो म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ आ सिनेमा नाउ. यू कैन नॉट हैव फिल्म्स विदाउट गुड म्यूज़िक एंड यू कैन नॉट हैव गुड म्यूज़िक जस्ट विदाउट अ गुड फिल्म. अगर दोनों चीज़ होगी तो फिल्म कैन डेफिनेटली डू वेल. एंड मैं लकी रही हूँ क्योंकि पहले फिल्म से कहो ना प्यारे हो या गदर हो या हमराज हो, अच्छा म्यूज़िक मुझे मिला है. आपको ये आपकी ऐसी फिल्म बता सकती है जिसका म्यूज़िक इतना अच्छा नहीं हुआ, शायद इसीलिए फिल्म इतनी नहीं चली? नहीं, मुझे ऐसा कोई ऐसी कोई फिल्म याद नहीं कि म्यूज़िक की वजह से या म्यूज़िक ना चलने की वजह से फिल्म अच्छी नहीं गई. आप कभी अपने प्रोड्यूसर्स को या किसी को सजेस्ट करते कि सर अगर थोड़ा इस तरीका का म्यूज़िक होता इस फिल्म में? एक्चुअली मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम करने मिला है, जैसे हिमेश रेशमिया हो या राजेश रोशन हो. तो इसकी वजह से मुझे कभी प्रोड्यूसर को सजेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि खुद प्रोड्यूसर्स म्यूज़िक को इतनी अहमियत देते हैं कि लोग खुद चाहते हैं कि अपनी फिल्म का म्यूज़िक अच्छा हो. क्योंकि इस तरह, जैसे मैंने कहा कि म्यूज़िक की वजह से फिल्म में क्या काफ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और लोग उत्साह से देखते हैं फिल्म. आपको किस तरीके का म्यूज़िक सबसे ज़्यादा पसंद है? जो आप हर तरीके का, इंटरनेशनल म्यूज़िक और हिंदी म्यूज़िक, जगजीत सिंह जैसे मैंने कहा, और मेरी आने वाली फिल्म हमको तुमसे प्यार है का म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है. सो इट्स म्यूज़िकल फिल्म है तो इसके लिए, इस फिल्म के लिए म्यूज़िक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. किसका म्यूज़िक है और किस तरीके का म्यूज़िक दिया? आनंद राज आनंद का म्यूज़िक है. हर किस्म के गाने हैं इसमें, क्योंकि ये बैकड्रॉप फर्स्ट हाफ फिल्म का राजस्थान में है, फिर स्विट्ज़रलैंड पे भी जाता है और वापस राजस्थान में आता है. और इस फिल्म में मैं एक ब्लाइंड, एक अंधी लड़की का किरदार निभा रही हूँ. तो उस कैरेक्टर को नज़र रखते हुए, फिल्म की कहानी नज़र रखते हुए, एक लव स्टोरी है, लव ट्रायंगल है, तो हर किस्म का म्यूज़िक है इसमें. ट्रेडिशनल राजस्थानी फोकलोर का म्यूज़िक लेके उसको कैसे इंडियनाइज करके फिल्मी टाइप का बनाया है. हर तरीके का म्यूज़िक है, कंप्लीट एंटरटेनमेंट. अमीषा, इस फिल्म के बारे में हमें थोड़ा डिटेल बताइए. हमको तुमसे प्यार है एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर है. इसको एक बच्चा भी देख सकता है और एक बुज़ुर्ग भी. और बहुत अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जहाँ शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, सिर्फ आइटम सॉन्ग्स या सिर्फ एक्शन नहीं है. दिस इज़ लाइक आई सेड अ कंप्लीट फिल्म. इसमें लव ट्रायंगल है, इट्स अ म्यूज़िकल, आठ गाने हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने. इसमें एक्शन भी है, कॉमेडी भी है. और सबसे खासियत बात इस फिल्म की ये है कि बहुत सिंपल, साधारण और प्योर फिल्म है. और एक फैमिली एंटरटेनर जो हर एज के लोग देख सके. बहुत अरसा हुआ है आया नहीं बड़े पर्दे पे और बहुत वक्त के बाद ऐसी एक फिल्म आ रही है. हमें आपके रोल के बारे में थोड़ा बताइए. इस किरदार का नाम दुर्गा है. ये एक राजस्थानी विलेज गर्ल है. ये मैं पहली दफ़ा एक राजस्थानी किरदार निभा रही हूँ. और ये किरदार बहुत ही साफ और अच्छे मन का किरदार है, बहुत ही मासूम किरदार है. और इसकी सबसे खूबसूरत बात और जो आपको टच भी कर जाती है कि ये लड़की अंधी है फिल्म. लेकिन कहानी का मकसद ये नहीं है कि हम लोग अंधेपन पे ये कहे कि ख़राब है, अच्छा है, ये है, वो है. वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक अ सोशल इशू. इट जस्ट हैपन्स टू बी कि कैरेक्टर ऐसा है और उसकी लाइफ कैसे इसकी वजह से आगे बढ़ती है. तो बॉबी देओल के साथ आपने पहले भी काम किया था, दोबारा काम करके आपको कैसा? बॉबी और अर्जुन के साथ दोनों मैंने पहली बार काम किया और ये मेरे किरदारों, मेरे कोस्टार से सबसे फेवरेट भी है. और काम करने का माहौल इतना अच्छा रहा है. तीनों हम लोग ने चाहे कि ये फिल्म बहुत खूबसूरती से बड़े पर्दे पे आए. ये किसी का अधूरा सपना था, भगवान ने हम लोग को मौका दिया कि ये सपने को हम लोग पूरा करें. और अभी 24 फरवरी को ये रिलीज़ है. तो इस साल से शायद सबसे खुशी की बात इस फिल्म की रिलीज़.
इनके डायरेक्टर बंटी जी हैं, तो बंटी जी के साथ आपकी केमिस्ट्री किस तरीके की थी, किस तरीके के डायरेक्टर थे आज? बहुत बहुत ही अच्छे, पहले तो अच्छे ह्यूमन बीइंग थे डायरेक्टर, बाद में डायरेक्टर तो बेहतरीन ही थे, आप फिल्म देखिए आपको मालूम ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरह के इंसान थे जिस तरह की इंसानियत से हम लोग से काम निकलवाते थे, उनको कोई कंपेयर नहीं कर सकता, और ये सपना उनका है और ये अधूरा सपना अब पूरा हो गया है, और बहुत खुशी की बात है कि अब ये सपना पूरी इंडिया और अमेरिका और इंग्लैंड के रहने वाले लोग अब देखेंगे, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली ये